Hello everyone, welcome to the video. In our last video, we have studied about the basic entries regarding issue of shares and also discussed that how shares are issued at par, at premium, at discount. In this video, we will discuss about the entries on issue of shares at par, at premium, at discount and entries on oversubscription and undersubscription of shares. And at last, we will discuss about the entries on issue of shares for purchase consideration other than cash. So let's start the video. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट केस इशू ऑफ शेयर्स एट पार. इसको समझने से पहले एक केस लेते हैं. सपोज एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10. दैट मीन्स ₹10 इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर. यानी एक कंपनी के पास 100 शेयर्स हैं और एक शेयर का जो प्राइस है वो होगा ₹10, ओके. देन इशू ऑफ शेयर एट पार क्या होता है? व्हेन अ कंपनी इशू शेयर अमाउंट इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, दैट मीन्स दे आर इशूइंग शेयर्स एट पार. दैट मीन्स एक ₹10 वाला जो शेयर है, कंपनी ने उसको ₹10 में ही इशू किया है, ओके. नॉर्मल सी एंट्री होगी यहाँ पर. जो हमने एंट्रीज पढ़ी थी, बेसिक एंट्रीज, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्राइस डिविजन है ना, जो कॉल मनी है उसको समझते हैं. सपोज जो कॉल मनी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज 3, 3 एंड 4. 3 फॉर एप्लीकेशन, 3 फॉर अलॉटमेंट एंड 4 फॉर द फर्स्ट कॉल. देन यहाँ पर एंट्री जो होगी वो क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, ओके. सो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. अमाउंट जो होगा वो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल मनी, दैट इज 100 इनटू 3, दैट इज 300 एंड 300, ओके. देन नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, ओके. सो दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री. दैट मींस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन के पैसों को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अमाउंट अगेन 100 इंटू 3, दैट इज 300 एंड 300, ओके. देन इसमें आगे कुछ भी नहीं होगा. जितना भी हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है उसको हम कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी एंट्रीज है अकॉर्डिंगली, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज पोस्ट हो जाएंगी. अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट केस होता है, ओके, जो नेक्स्ट केस है वो होगा इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ओके. सो इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, ये इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम क्या होता है? सबसे पहले इसको समझना होगा. यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम में क्या होता है? जब कंपनी एक ₹10 वाले शेयर को सपोज ₹12 में इशू करती है, ₹12, ओके. समझते हैं यहाँ पर ये जो ₹12 है वो कैसे आएगा. सपोज कंपनी ने ₹10 जो है वो शेयर के चार्ज किए हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है टू उसको चार्ज किया है सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए. दैट मीन्स व्हेन अ कंपनी इशूज शेयर्स मोर देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, इट इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. तो यहाँ पर जो प्राइस डिविजन होगा वो होगा 10+2, 10 फॉर द शेयर एंड 2 फॉर द प्रीमियम. अब प्रीमियम में भी दो केसेस होते हैं हमारे पास. अब इस प्रीमियम के अमाउंट को कंपनी दो तरह से कॉल कर सकती है. एक कंपनी इस प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन में कॉल कर सकती है या फिर अलॉटमेंट या फिर किसी भी नेक्स्ट कॉल में, ओके. पहला एप्लीकेशन पे, दूसरा अपना हो जाएगा अलॉटमेंट या फिर नेक्स्ट कॉल. ओके, अब यहां पर इसको दो केसेस में समझते हैं.
अगर कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का जो अमाउंट है इसको एप्लीकेशन के साथ कॉल किया है, यहाँ पर प्राइस डिवीजन देखते हैं, रुपीज 12 जो है शेयर का, ओके रुपीज 12 डिवाइडेड इन 3 कॉल, दैट इज 3+2 देन 3 देन 4, ओके सो हमारे शेयर का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, 3+3+4 दैट इज 10 and 2 फॉर द प्रीमियम, प्रीमियम एट द एप्लीकेशन कॉल. तो यहां पर जो एंट्री होगी प्रीमियम की एप्लीकेशन के लिए वो क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट अकाउंट, देन अमाउंट जो होगा वो 100 into 3+2 5, दैट मीन्स जो अमाउंट होगा वो यहां पर कितना हो जाएगा, 500 and 500, ओके अब नेक्स्ट एंट्री में जब हम आएंगे जहां पर हमें इस प्रीमियम को शो करना है वहां पर एंट्री क्या होगी, सबसे पहले इस एंट्री को समझते हैं क्या होगी, देन अमाउंट यहां पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन यहां पर एक एंट्री और ऐड होगी इसमें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन व्हेन दे आर रिसीविंग कॉल मनी अलोंग विद द प्रीमियम अमाउंट, देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड प्राइस डिवीजन दैट इज 100 into 5 दैट इज 500, देन 100 into 3 इन शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 100 into 2 दैट इज फॉर प्रीमियम, सो 100 into 2 200 फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम. अब एक जो लास्ट चीज हमें यहाँ पे समझनी है, इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हमने यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया है. देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, कंपनी के लिए एक गेन है, कंपनी एक रुपीज 10 के शेयर को मोर देन 10 यानी 10 से ज्यादा में इशू कर रही है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो कंपनी के लिए एक गेन होगा. तो जो जर्नल का रूल है नॉमिनल अकाउंट का उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, जिसमें हमें जितने भी हमारे इनकम्स या गेन्स है उनको क्रेडिट करना होता है, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को क्रेडिट किया है. अब ये था हमारा पहला केस जिसमें प्रीमियम को एप्लीकेशन के साथ रिसीव किया गया है. सपोज अगर कंपनी ने प्रीमियम के अमाउंट को यहाँ पर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट के साथ कॉल किया है, ओके देन ऐसे केसेस में क्या है, हमारी जो पहली एंट्री होगी, ओके जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा गया है तो पहली एंट्री क्या है, नॉर्मल सी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 3, और सिंपल सी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. लेकिन चेंज जो है वो हमारा कहाँ आएगा, अलॉटमेंट की एंट्री में आएगा. अब अलॉटमेंट की एंट्री में चेंज कैसे आएगा उसको पढ़ते हैं. सबसे पहले अलॉटमेंट में बैंक की एंट्री तो पहले होती नहीं है, सो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट की क्या होगी एंट्री, एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ओके एंड अमाउंट डिवीजन जो होगा वो यहां पर क्या होगा, 100 into 3+2 दैट इज 5, सो 500 इन डेबिट साइड एंड 100 into 3 फॉर शेयर कैपिटल दैट इज 300 एंड 100 into 2 दैट इज 200. सो जब प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ हम रिसीव करेंगे तो पहली ही एंट्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, एंड जो इसकी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक वाली वो क्या होगी, हमारी नॉर्मल एंट्री की तरह होगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कॉल अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, 100 into 5 नॉर्मली दैट इज 500 and 500. सो ये केस था हमारा जहां पर प्रीमियम अमाउंट को कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ कॉल किया है. तो पहली एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट जो होगा वो डेबिट के कॉलम में पूरा 5 रुपीज से 100 into 5 दैट इज 500
एंड शेयर कैपिटल में जो शेयर के पैसे होंगे उसको लिखा जाएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके सिक्योरिटीज प्रीमियम में। देन नेक्स्ट एंट्री जो बैंक में होगी वो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट और पूरे प्राइज मनी को यहाँ पर हम लिख देंगे, दैट इज कॉल मनी, सॉरी। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द थर्ड केस, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ओके, व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। सबसे पहले समझते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट होता क्या है। व्हेन अ कंपनी इशूड शेयर लेस देन द नॉमिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर देन इट विल बी कॉल्ड इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। मतलब क्या है, अगर एक कंपनी ने अगर एक कंपनी ने एक 10 रुपए वाले शेयर को यहां पर 10 से कम में इशू किया है, दैट मीन्स ₹10 के शेयर को कंपनी ने ₹8 में इशू किया है। ओके, तो यहां पर 10 वाला शेयर जो कंपनी ने है वो 8 में इशू किया है, दैट मीन्स सिंपली ये डिस्काउंट का केस है। ₹2 जो है वो कंपनी ने पब्लिक को एज अ डिस्काउंट ऑफर किया है। लेकिन यहां पर समझते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती है या नहीं। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 53 इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है। लेकिन इसी के बाद यहां पर एक सेक्शन 54 आता है हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट का, जो कि एक कंपनी को अलाउ करता है शेयर्स को डिस्काउंट में इशू करने के लिए। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो 53 क्या कहता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है कंपनी, और 54 ये कहता है कि कंपनी डिस्काउंट प्राइस पे इशू कर सकती है, बट किसको? सिर्फ और सिर्फ कंपनी के जो वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको इशू करेगा, और वो भी उनकी सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो 53 जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 53 जो है वो क्या है, एक कंपनी को प्रोबिट मतलब मना करता है कि कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पे शेयर को इशू नहीं कर सकती है, और 54 कहता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स को डिस्काउंट प्राइस पर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स को। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? समटाइम्स इट हैपेंस दैट द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज लेस देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड बाय द कंपनी। मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो कम है कितने शेयर से जितनों को कंपनी ने इशू किया है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किया है जनरल पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ और सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया है। ओके, तो यहां पर जो केस है हमारा वो किसका होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन का होगा। और इस केस में जो एंट्रीज होंगी वो कैसे होंगी? सपोज जो प्राइस है शेयर का वो है, प्राइस मनी है दैट इज 10 रुपीज, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कॉल्स, दैट इज 3, 3 एंड 4। सो जो अमाउंट है इस शेयर में एप्लीकेशन पर वो है 3, अलॉटमेंट पर जो है वो है 3, और फर्स्ट कॉल पे जो है वो 4। देन यहाँ पर क्वेश्चन में हम जब पहली एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की, वो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट दिया डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, सिर्फ एक एंट्री से यहां पर इस पूरे क्वेश्चन में क्या करना है हमें समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, एप्लीकेशन में अमाउंट जो है वो है 3 रुपीज, बट इस 3 रुपीज को 18,000 से मल्टीप्लाई करना है या 20,000 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, मतलब क्या था यहाँ पर कि 20,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, लेकिन अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कंपनी ने, कंपनी में लोगों ने किया है? ओनली 18,000। तो मतलब हम अब जब कंपनी इन शेयर्स की एंट्रीज करेगी तो कितने शेयर्स की करेगी? जितने कंपनी ने लोगों को दिए, और वो है 18,000।
मतलब एंट्री यहां पर होगी 18,000 × 3, दैट इज 54,000 and 54,000। अब यहां पर जितनी भी एंट्रीज हैं एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की सारी इस अमाउंट से की जाएंगी, क्योंकि यही वो अमाउंट है जितने अमाउंट के शेयर्स कंपनी ने पब्लिक को दिए हैं। अब यहां पर एप्लीकेशन के टाइम पे 18,000 × 3, अलॉटमेंट के टाइम पे 18,000 × 3 एंड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 18,000 × 4, बाकी सारी एंट्रीज सेम रहेंगी। देन इसमें और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली याद रखना है कि जितने अमाउंट के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है हमें पूरे क्वेश्चन को उसी अमाउंट से करना है, बाकी अंडर सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं करना है हमें, बाकी सारी एंट्रीज जैसे नॉर्मल क्वेश्चन में है वैसे ही होंगी। अब अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद एक केस समझते हैं नेक्स्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओके ओके, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है? समटाइम्स इट हैपेंस द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। कैसे समझेंगे इसे? यहां पे सपोज एक कंपनी ने 20,000 शेयर्स को इशू किया है, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 30,000 शेयर्स के लिए। ओके, 30,000 शेयर्स के लिए। सो इज इट पॉसिबल कि हम 20,000 शेयर्स को 30,000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें? बिल्कुल भी नहीं। तो यहां पर इसको जर्नल में ट्रांसफर करने के दो तरीके हैं। क्या है? इस 30,000 के अमाउंट को जब हम 20,000 में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रिटर्न, एंड दूसरा तरीका होता है प्रोराटा। समझते हैं यहां पर ये दोनों तरीकों को कि कैसे एक कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्रीज को परफॉर्म करती है। पहला तरीका होता है रिटर्न, जिसके लिए एंट्री हम यूज करते हैं टू बैंक की, जिसका मतलब क्या है? सिंपल सा है, जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट, जितने भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, उतने शेयर्स को हम टू बैंक से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है प्रोराटा का, दैट मीन्स इस 30,000 शेयर्स को हम 20,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। दोनों तरीकों को यहां पर से समझते हैं अच्छे से कि कैसे कंपनी रिटर्न और प्रोराटा बेसिस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करती है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन में तरीका है रिटर्न का, जिसमें एंट्री जो होगी वो क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और यहां पर अमाउंट जो होगा, है ना, हमारा जो एप्लीकेशन में अमाउंट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर रुपीज 10 का शेयर था जो कि तीन पार्ट्स में डिवाइड था 3, 3 और 4 में। तो एप्लीकेशन के टाइम पर यहाँ पे क्या होगा? जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है उसको हम एप्लीकेशन के अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 30,000 × 3, द अमाउंट विल बी 90,000 और 90,000। ओके, देन इस क्वेश्चन के नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? यहां पर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक। अब इसको समझते हैं, यहां पर अमाउंट जो होगा वो कैसे आएगा। अब शेयर एप्लीकेशन में हमारे कितना अमाउंट है? 90,000। इसको सिंपली यहां पर 90,000 लिख देते हैं। अब जितना भी पैसा कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली है, मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे उसके लिए लेने वाली है, वो कितना होगा? 3 × 20,000, दैट इज 60,000। ओके, देन जितना कंपनी को रिटर्न करना है लोगों को, 30,000 − 20,000, तो डिफरेंस कितना होगा? 10,000। ओके, इन 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, तो कितना अमाउंट आएगा? 30,000। सो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दैट मींस हमारे बैंक में 30,000 लोगों ने शेयर एप्लीकेशन मनी को सेंड किया है। देन शेयर एप्लीकेशन का 90,000 जो है
उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, 20,000 × 3 यानी 60,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, एंड 10,000 × 3 30,000 हमने बैंक से लोगों को रिटर्न कर दिया है। ठीक है, ये पहला केस था जिसमें कंपनी जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया है उस अमाउंट को बैंक के थ्रू रिटर्न करती है। ओके, देन हमारा नेक्स्ट केस है जिसमें कंपनी क्या करती है, प्रोराटा बेसिस के अकॉर्डिंग शेयर्स को इशू करती है। अब यहां पर पहली एंट्री हम समझते हैं क्या होगी, लोगों ने अप्लाई किया है 30,000 शेयर्स के लिए और हमें कितने शेयर्स देने हैं, 20,000। सो पहली एंट्री रिटर्न की तरह सिमिलर होगी, दैट विल बी बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन, और अमाउंट जो होगा वो कितना, 30,000 लोगों ने एप्लीकेशन का 3 रुपीज दिया, दैट इज 90,000 and 90,000। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री, वहां पर क्या था, बैंक से हमने पैसों को रिटर्न कर दिया था, यहां पर हम क्या है, बैंक में पैसों को रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली क्या होगा, जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स का पैसा लोगों ने एप्लीकेशन पर दे दिया है उसको हम क्या करेंगे, उनके अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री यहां पर क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट। ओके, तो टू अलॉटमेंट मतलब क्या है, यहां पर शेयर एप्लीकेशन का 90,000 यहां पर हम सिंपली लिखेंगे और इस 90,000 को आगे हमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20,000 × 3 दैट इज एप्लीकेशन अमाउंट। ओके, तो इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे 60,000, और जो रिमेनिंग कितना अमाउंट है हमारा 10,000 शेयर्स का, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो कि हमारा आगे अलॉटमेंट में यूज हो जाएगा। अब इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, समटाइम्स क्या होता है कि जो अलॉटमेंट का अमाउंट होता है ना, उससे भी ज्यादा पैसे, एक्स्ट्रा पैसे लोगों ने दिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट में ट्रांसफर करते हैं, देन रिमेनिंग अमाउंट को हम यहाँ पर एक और हेडिंग डालेंगे टू कॉल इन एडवांस। ठीक है, कॉल इन एडवांस में ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें क्या है, आगे बहुत सारे केसेस होंगे जिसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट का एक अलग से वीडियो बना के समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर प्रोराटा को दो तरीके से किया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन को। पहला तरीका क्या होता है, जो एक्सेस नंबर ऑफ एप्लीकेशन है उनको हम टू बैंक से रिटर्न करते हैं, और दूसरा तरीका क्या होता है, जिसमें हम एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स को, जो जितना भी अमाउंट उसमें हमें रिसीव हुआ है, वो हम क्या करते हैं, इन्हीं 20,000 शेयर्स की आगे जो कॉल हमें करनी है अलॉटमेंट, उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये दो तरीके थे जिससे हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स को कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट्स। पहले समझते हैं शेयर्स टू प्रमोटर्स। ओके, समटाइम्स अ कंपनी इशूज शेयर टू इट्स प्रमोटर्स फॉर द सर्विसेज दे हैव प्रोवाइडेड टू द कंपनी। मतलब क्या होता है, कभी कभी कंपनी अपने प्रमोटर्स को भी शेयर इशू करती है, जो सर्विसेज उन्होंने कंपनी को दी है उसके लिए, जिसकी एंट्री होगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, और जितना भी अमाउंट दिया होगा उसको हम डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में इक्वली लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एंट्री हमारे पास आती है परचेज ऑफ असेट्स। अगर परचेज ऑफ असेट्स के लिए कंपनी ने शेयर्स को इशू किया है तो एंट्री होगी सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, देन वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपली यहाँ पे समझते हैं एंट्री कैसे की गई है। असेट, असेट क्या है, एक रियल अकाउंट है, एक रियल थिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, कोई भी चीज है, तो इसके लिए हम रियल अकाउंट के फॉर्मूले को यूज करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट्स व्हाई सन्ड्री असेट को हमने डेबिट किया है। देन वेंडर कौन है, एक पर्सनल अकाउंट है, देन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो वेंडर इज द गिवर हियर, दैट्स व्हाई वी हैव क्रेडिटेड वेंडर्स अकाउंट। देन नेक्स्ट एंट्री, हम वेंडर को शेयर्स के थ्रू पेमेंट करेंगे,
ओके सो वेंडर क्या है, पर्सनल अकाउंट, और यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग वेंडर जो है वो शेयर्स को रिसीव कर रहा है. सो डेबिट द रिसीवर एंड हेयर टू शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड. ओके दिस इज द एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर एंड इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ असेट्स. ओके दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.